रहर की खेती का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन लोगों को अक्सर कहते सुना है कि इसकी खेती में उपज कम होती है और फ़ायदा कम होता है। लेकिन सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। अगर रहर की खेती उपजाऊ जमीन में और विधि पूर्वक की जाए तो इसमें उपज भी ज़्यादा होती है और दूसरे दालों से इसकी कीमत भी अधिक मिलती है। आप भी चाहते हैं रहर की खेती करना और अधिक फायदा कमाना? तो चलिए देखते हैं रहर की खेती की प्रक्रिया का पहला चरण, खेत की तैयारी। रहर की खेती उपजाऊ जमीन पर ही करना चाहिए। हमें ऐसा खेत का चुनाव करना चाहिए जहां थोड़ा ऊंचा हो और बरसात का पानी ना जमा हो पाए। जिस जमीन पर कंकड़ पत्थर हो और छायादार हो, उस जमीन पे रहर की खेती नहीं करना चाहिए। जब खेत की अच्छी तरह तैयारी करेंगे तब तो रहर की फसल अच्छी होगी, और फिर देखना फसल भी अच्छी होगी और कमाई भी अच्छी होगी। सबसे पहले हम इस खेत की जुताई करेंगे, उसके बाद पुराने फसल की जड़ें, खरपतवार, पत्ता, पत्थर, ये सबको निकाल के फेंक देंगे। उसके बाद उस खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद और नाडेप या केचुआ खाद छिड़क के एक बार जुताई कर देते हैं। अच्छा दीदी, कितना खाद छिड़कना है? देखिए दीदी, एक डिसमिल जमीन पे पाँच से छः टोकरी गोबर की खाद या नाडेप लगता है। अब आपका खेत जितना बड़ा हो उसी के अनुसार खाद मिला दीजिएगा। इसको छिड़कने के बाद खेत की जुताई क्यों करते हैं दीदी? इसलिए कि खाद पूरी तरह मिट्टी में मिल जाए। उसके बाद जमीन में पाटा चलवा के खेत को समतल कर देते हैं। हाँ, जिसमें मेड़ बनाने में आसानी हो। बिल्कुल ठीक समझी दीदी, खेत तो काफ़ी साफ सुथरा और बराबर दिख रहा है। हाँ दीदी, हम अब मेड़ बनाएंगे। ठीक है दीदी, चलिए दादा को बुलाते हैं मेड़ बनाने के लिए। और मेड़ से मेड़ की दूरी 2 मीटर होनी चाहिए। मेड़ की ऊंचाई 6 से 7 इंच ऊंचाई होना चाहिए। और एक बात ध्यान देना चाहिए दीदी, मेड़ को ढलान के विपरीत दिशा में बनाना चाहिए ताकि बरसात के समय पानी खेत से रुक रुक कर निकले। सही जमीन का चुनाव और खेत की समुचित तैयारी रहर की सफल खेती की प्रक्रिया का पहला चरण है। अरहर की खेती में अच्छी उपज के लिए हमेशा उपजाऊ टांग या मध्यम जमीन का चुनाव करें, और दूसरी जुताई से पहले खेत में गोबर खाद, नाडेप, केचुआ खाद का उपयोग जरूर करें।